नमस्ते मेरे प्यारे फूडी फ्रेंड्स, फिर से आप सब लोगों का स्वागत है अर्चीज वेज किचन के चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल दानेदार बेसन लड्डू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम बेसन लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है दरदरा बेसन 3 कप और 1 कप घी। अगर आपके घर में दरदरा बेसन नहीं है तो आप नॉर्मल वाला बेसन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और इस बेसन को हम रोस्ट करेंगे मीडियम टू स्लो, स्लो टू मीडियम आंच पे। स्टार्टिंग के जो 4-5 मिनट है वो हम इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे विदाउट घी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम आपको एकदम स्लो ही रखना है, लो ही रखना है, वरना क्या है, अगर गैस का फ्लेम फास्ट होगा तो बेसन जल जाएगा हमारा, जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। तो इसे एकदम शांति से, आराम से, पेशेंट के साथ करना है हमें, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है इसे रोस्ट करने में। और होता क्या है ना फ्रेंड्स कि अगर आप फास्ट फ्लेम में इसे भून रहे हैं तो आपके लड्डू तो फटाफट बनके रेडी होंगे, लेकिन जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको मुंह में उसका कच्चापन लगेगा। यानी कि ऊपर से तो रोस्ट हो चुका है ब्राउन, लेकिन खाने में वो कच्चा रहता है। तो मेक श्योर कि आप इसे बेसन को आराम से ही रोस्ट करें। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के उसे रोस्ट करेंगे। थोड़ा घी डाल रही हूँ और थोड़ा घी मैं बाद में डालूंगी। इसे वापस से रोस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको बेसन है वो खुला खुला लगेगा, एकदम ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे ही ये घी में अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, घी अपने आप इसमें से छूटने लगेगा। अब जो बचा हुआ घी है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको फिर से रोस्ट करेंगे हम। हमको तब तक रोस्ट करना है जब तक के बेसन है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं होता। चम्मच को लगातार इसमें हिलाते रहिए ताकि हमारा बेसन चिपके नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाए। एक इंडिकेशन ये भी है कि बेसन अच्छे से हमारा रेडी हो चुका है। पूरे घर में जब खुशबू आने लगे इसके रोस्ट होने की और हल्का सा ये ब्राउन होने लगे, तब समझ जाना कि बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बेसन अच्छे से भून के रेडी है। मैं आपको ये नजदीक से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, देखिए है ना, कलर चेंज हुआ ना। अब इस स्टेज पे हमको इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी छिड़केंगे ताकि हमारे लड्डू है वो दरदरे बने, दानेदार बने, एकदम हल्का सा। एक दो बार इसे फटाफट हम मिक्स करेंगे। जब इसमें हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे ना तो इसका टेक्सचर है ना कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको नजदीक लाके दिखाती हूँ। हम करेंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम। जब तक हमारा बेसन हमने थोड़ा ठंडा करने रखा है तब तक हम क्या करेंगे ना, 2 कप शक्कर और 7 से 8 इलायची, इन सबको हम अच्छे से मिक्सर में इसका बोरा बना डालेंगे। आप शक्कर आपके हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। शक्कर को इस तरह से हमें एकदम बारीक पीस लेना है। अगर दरदरी शक्कर हुई तो वो लड्डू खाने में बीच में आएगी और फिर वो लड्डू खाने का मजा नहीं आएगा हमको। तो ऐसे ही एकदम बारीक शक्कर आप पीस लीजिएगा इलायची के साथ। अब हम एक परत में ये बेसन को और शक्कर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू और बादाम का कतरन, जो माप में 2 छोटी चम्मच है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए और अगर घर में नहीं अवेलेबल तो इस ओके, नहीं डाला तो भी चलेगा। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हलवाई जैसा लड्डू बनाने का फाइनल स्टेप है, इसमें हम डालेंगे पिघला हुआ घी। तो इससे क्या होगा ना, हमारे लड्डू एकदम मस्त शाइन करने लगेंगे, एकदम ही चमकीले लगेंगे। तो चलिए डालते हैं। पिघला हुआ घी डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम बनाएंगे लड्डू। इसको मैं डेकोरेट करूंगी पिस्ता के कतरन के साथ, ऊपर एक पिस्ता का कतरन लगा दूंगी।
पिस्ता के जगह पे आप काजू है, बादाम है या फिर चारोली है उसके भी पीसेस लगा सकते हैं। इस तरह से सब लड्डू रेडी कर देंगे हम। इसमें हम लगाएंगे फाइनली थोड़ा सा वरक। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो लगाइए, अगर नहीं है तो चलेगा, मेरे घर में अवेलेबल था तो मैं लगा रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हलवाई स्टाइल हमारे बेसन लड्डू रेडी है। मैं आपको बीच में से एक छोटा सा पीस निकाल के कट करके दिखाती हूँ, कितना शानदार बना है ये देखिए। तो आप इसे घर पे जरूर से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपके कैसे बने थे आपके बेसन के लड्डू। और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, से हेल्दी, से हैप्पी एंड बाय बाय।